हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है 100 वुल्फ रिक्वेस्ट टू प्रोफे मोहम्मद। वुल्फ हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोफे मोहम्मद से। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वुल्फ वुल्फ हैं, वो क्या बोल रहे होंगे, कैसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो हम देखते हैं। ऑल दो जो हमारे पैट्स होते हैं हमें पता है वो अपने मीन्स बॉडी जेस्चर से बता देते हैं कि मतलब वो क्या चाहते हैं। हमारे पेट्स के साथ तो ऐसा होता है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो वुल्फ हैं उन्होंने कैसे बताया था प्रॉफिट मोहम्मद को और क्या बताया था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप फजर की नमाज पढ़ा के निकले, अजीब वाक्य याद है, सामने 100 भेड़िए कतार में बैठो, 100 भेड़िए कतार में बैठो, आप निकले तो वलहुन्ना गुवा, वो उन्होंने बोलना शुरू किया गौ 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 अपनी जुबान में। तो आपने फरमाया भाई तुम्हें खबर है ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? कहा जी नहीं। कह ये कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा की बकरियां खाने को हमारा दिल नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, यहां तो मुसलमान मुसलमान की जेब काट रहा है, गर्दने, चलो जेब काटना तो छोटी बात है, गर्दने काट रहे हैं। वोट क्यों नहीं दिए? उड़ा दो, 10 रुपए पर एक मोबाइल पे कत्ल हो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा की बकरियां खाने को हमारा जी नहीं चाहता, लेकिन हमारा रिस्क ही यही बकरी है, तो हम क्या करें? आप ऐसा करें हमारा कोटा मुकर्रर कर दें, उसके अलावा हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आपने सहाबा से फरमाया, हां बोलो भाई बोलो भाई। तो वो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह बात यह है कि पली पलाई बकरी देने को हमारा दिल नहीं करता। तो फिर आपने कहा अच्छा भाई ऐसा करो, अच्छा भाई मेरे सहाबा तुम हिफाजत करो, अब भाई भेड़ियों के जमात तुम अपना दाव लगा लिया कर। फरजाना वलहुन्ना गिवा, वो वापस रोते हुए जा रहे थे कि ये काम हमें बादिले ना खास्ता करना पड़ेगा। अब भेड़िए पहचाने पहचान गए। एक और वाक्य याद आ गया, अबू सुफियान और अखनस बिन शुरैक हरम की हद के ऊपर खड़े हुए, बैतुल्लाह हरम की हद, दूर से एक हिरन को देखा भागा हुआ आ रहा है और उसके पीछे भेड़िया चढ़ा हुआ आ रहा है। हिरन दौड़ता दौड़ता हुदूद हरम के करीब पहुंचा तो भेड़िया ने जंप किया और उसको पकड़ने की पोजिशन में आया तो हिरन के अगले दो पांव हरम की हुदूद में आ गए, तो भेड़िए ने अपने पांव ऐसे सुकेड़ लिए यूं और यूं पीछे हुआ। अल्लाह अकबर। अब वो सुफियान कहने लगा वाह वाह अजीब, ये भेड़ियों को भी पता है कि ये हुदूद हरम है। तो एकदम भेड़िया ऐसे सीधा हुआ, कहा अजब मिन ज़ालिका, भेड़िए को अल्लाह ने जुबान दी, उन्होंने कहा और इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि अल्लाह का हबीब तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो। अबू सुफियान कहने लगे अखनस बिन शुरैक से, ओए किसी को बताना नहीं, नहीं तो सारे ही कलमा पड़ जाएंगे, इन्हें भेड़ियों ने जाना कि ये अल्लाह के हबीब हैं, है बेजान ने जाना कि ये अल्लाह के हबीब हैं। आपकी मजलिस गर्म थी, एक बद्दू गुजरा, कहने लगा ये किसकी मजलिस? कहा गया ये वो है जो कहते हैं मैं नबी हूं। अच्छा, वो वापस आया। अरब जाहिलियत में गोह खाते थे, यहां भी गोह कहते हैं, एक जानवर होता है छिपकली के बरे, गोह ही कहते हैं अरबी में, गब कहते हैं, गोह शिकार करके खाते, वो शिकार करके लाए हुआ था, उसको रस्सी से खोला और कहने लगा तू है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं? आपने कहा मैं, तो उसने गोह को आगे फेंका, वो मुर्दा, कहने लगा ला उमिनु हत्ता यूमिन हाज़ा दब, जब तक ये गोह कलमा तेरा ना पढ़े मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब ऐसे खड़ा हो कि मरा हुआ तो इंसान भी नहीं बोलता, जानवर कहां से बोलेगा? तो ऐसे बड़े अकड़ के खड़ा हुआ और वह ऐसे गोह यूं पड़ी हुई आए, जिसकी पुकार पे मुर्दों ने लब्बैक कहा, उसकी पुकार पे उम्मत को लब्बैक कहना भूल गया है, झूठ ना बोलना, सारा मरी झूठ पे है, जकात अदा करना, 100 में 1 भी जकात देने वाला कोई नहीं है।
जिना न करना अड्डे कायम हो गए, शराब न पीना अड्डे कायम हो गए, एक दूसरे पे तलवार न उठाना, गर्दन न काटना, आपस में एक दूसरे को जबा करने लग गए। आपने उसको यूं देखा, या अब ए गोह, वो तो मरी पड़ी थी, उसने पहले से आंखें खोली, फिर यूं गर्दन उठाई, फिर अपने अगले हाथों पर यूं खड़ी हो गई, यूं यूं इतना सीना उठा लिया, हाय, एक सब मजमे पे एकदम सन्नाटा छा गया। और उसने जोर से कहा, लब्बैक वसअदैक या ज़ैन मन वाफा यौम अल-क़ियामा, मैं हाजिर, मैं हाजिर, मेरे भाग जाग उठे, मैं तो आज बड़े नसीबों वाली हूं कि आपने मुझे पुकारा, हाजिर या रसूल अल्लाह, और जो आपको नाम दिया, जो नाम दिया कमाल कर दिया, या ज़ैन मन वाफा यौम अल-क़ियामा, है क़यामत का दिन बड़ा खौफनाक है, क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक है, क़यामत का दिन बड़ा हैबतनाक है, पर या रसूल अल्लाह जब आप वहां होंगे तो आपकी बरकत से वो दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। हाय हाय हाय, अरे उस गोह जितना ईमान ले आओ तो मेरे देश को इज्जत मिल जाएगी। हमारे हुक्मरान से लेकर चपड़ासी तक और रेड़ी वाला तक अपने हबीब अल्लाह के हबीब की गुलामी के सेहरे डाल लो, सेहरे बांध लो, हार डाल लो, उसकी गुलामी पर फखर करो और उसका नौकर बन के दिखा दो, अल्लाह इकबाल की कब्र रोशन करे। ऐसा शायर ना मैंने उर्दू में पढ़ा, ना अरबी में, ना फारसी में, ना अंग्रेजी में, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हा, उसके बन के तो दिखाते, वो तो बन के दिखा गया, उसने वफाएं कर दी, उन्होंने वफा कर दी, कोई नबी ऐसी उम्मत से वफा नहीं कर गया जैसे मेरे नबी वफा कर गए। क़यामत का हौलनाक मंजर है, और जहन्नम लाई आती है, जो अभी मैंने बात कर, दिन तो बड़ा खौफनाक है, आपकी तो फैल खूबसूरत हो जाएगा, क़यामत का हौलनाक मंजर है, माँ बेटा जुदा हैं, खामिंद बीवी जुदा हैं, भाई बहन भाई जुदा हैं, दोस्त यार जुदा हैं, हाय हाय हाय। और इतने में जहन्नम आएगी और एक चीख मारेगी, उस चीख पर बड़े बड़े फरिश्ते और बड़े बड़े इंसान और बड़े बड़े रसूल, ला यबका मलक मुकर्रब वला नबी मुरसल इल्ला जफा अला रुकबतैह वयकूल या रब नफसी नफसी। उस खौफनाक चीख पर हर फरिश्ता, हर नबी, हर इंसान पुकारेगा, या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी। हम ठंडे मौसम में बैठे, लेकिन जगह की तंगी, मजमे की ज्यादती ने कितना पसीना पसीना कर दिया है, और सूरज इस वक्त 9,30,00,000 मील के फासले पर है, ये सूरज उस दिन सर पे होगा, तन पे कपड़ा नहीं होगा, सर पे कोई रुमाल नहीं, पांव में जूता नहीं, जमीन तांबे की तरह कान सफ सफा ला तरा फीहा इवजन वला अंता, ऊपर से जहन्नम की तपिश, हरारत, गर्मी, चिंगाड़, चीख। तो हर इंसान, क्या नबी क्या फरिश्त, या रब नफसी नफसी, या रब नफसी नफसी, या रब नफसी नफसी, इब्राहिम खलील जैसे कहेंगे, या अल्लाह बस मेरी जान बचा, किसी का सवाल नहीं करता। ईसा बिन मरियम जैसे रसूल फरमाएंगे, अर्ज करेंगे, या अल्लाह बस मेरी जान बचा, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता। तारिक जमील को कौन याद करेगा, या तारिक जमील किसे याद करेगा? इस खौफ के आलम में जब इब्राहिम खलील कहें नफसी नफसी, मूसा कलीम कहें नफसी नफसी, नूह नबी कहें नफसी नफसी, ईसा रूहुल्ला कहें नफसी नफसी, याकूब इसहाक कहें नफसी नफसी, यूसुफ याकूब कहें नफसी नफसी, इस्माइल इब्राहिम कहें नफसी नफसी, मूसा यूशा हारून कहें नफसी नफसी, यहया जकरिया कहें नफसी नफसी, सुलेमान दाऊद कहें नफसी नफसी, हूद लूत साले शुएब कहें नफसी नफसी,
आदम, इदरीस, यूशा कहें और शीस कहें, नफसी नफसी, ये मैं नबियों की पुकार बता रहा हूं, मेरी तुम्हारी क्या औकात हो गई। उस वक्त में एक दर्द भरी आवाज आएगी, वाह या रसूल अल्लाह, क्या मुंह दिखाएंगे आप। एक दर्द भरी आवाज आएगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, ये कौन है, ये कौन है? आज तो मां कह रही है नफसी नफसी, बाप कह रहा है नफसी नफसी, बेटा कह रहा है नफसी नफसी, ये कौन है? ये आवाज है जो उम्मती उम्मती पुकार रहा है। खुद ब खुद आवाज बुलंद होगी तो निगाहें उठेंगे, फिरेंगे, देखेंगे कौन कौन कौन, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसई, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन कुअब, बिन लुवई, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नदर, बिन किनाना, बिन खुजैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नजार, बिन मुअद, बिन अदनान, बिन अवद, बिन हमैसा, बिन सलामान, बिन औस, बिन बौज, बिन कमवाल, बिन उबई, बिन अवाम, बिन नाशिद, बिन हिजा, बिन बलदास, बिन यदलाफ, बिन ताबिख, बिन जाहिम, बिन नाहिश, बिन माखी, बिन आफी, बिन अबकर, बिन उबैद, बिन दुआ, बिन हमदान, बिन संबर, बिन यथरबी, بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهض بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبين آدم عليه الصلاة والسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آت بلند ہے جولی پھیلی ہوئی ہے پکار ہے کیا پکار ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے ہم اس زندگی میں بھول گئے کہتے میری اولاد میرا حسن میرا حسین میری فاطمہ میرا علی کیا کہہ رہے ہیں میری امت میری امت بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے میری نیک امت میری عالم امت میرے تقوی والے امتی میرے جنید بغدادی جیسے امتی میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں نہیں نہیں میری امت شرابی زانی جواری ڈاکو قاتل چور اچکے بدماش ساری ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا تم نے اسے یہاں بھولا دیا صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا ساری زندگی آزاد ہو گئے ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے آج گوہ کہہ رہی لبیک وسعدیک میں حاضر میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا آپ کون ہیں کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے رسم و رواج سے اوپر آؤ پیغام رسالت پڑھو سنو پیغام کربلا پڑھو سنو سیکھو دین کو سیکھو تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے پیغام کیا ہے رواج کیا ہے اے اے آپ نے کہا من تعبد من تعبد گوہ کس کی بندگی کرتی ہے تیرا معبود کون ہے گوہ ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں جس کے راستے سمندر میں جس کی رحمت جنت میں جس کا عذاب جہنم میں آگے من انا من انا میں کون ہوں من انا میں کون ہوں بدو ڈھیلا ہو چکا ہے آنکھیں پھر رہی ہیں میں کون ہوں گوہ کا جواب سنو کیا عالمانہ محققانہ انت رسول رب العالمین
आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, गोह को भी पता था कि आगे झूठे नबी आने वाले हैं, तो एक जर्ब लगाई, एक मोहर लगाई, व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद हर आने वाला झूठा होगा, दज्जाल होगा। व खातमुन नबीयीन, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं। पद अफलह मन सद्दकक वकद खाब मन कद्दबक, मैं यकीन से कहती हूं, कद इसमें कोई शक है नहीं, कोई दूसरी बात है नहीं, जो आपकी गुलामी इख्तियार करेंगे बस वही कामयाब हैं, और जो आपसे बगावत करेंगे वो नाकाम हैं, हलाक हैं। दुनिया का क्या है, ये तो आनी जानी चीज है, कभी उरूज है, कभी जवाल है, कभी जिल्लत है, कभी इज्जत है, ये तो आना जाने लगा हुआ है। टुकहर सोहवस को छोड़ मियां, मुतदेस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल चुतर, क्या गुनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा। तो प्रॉफेट मोहम्मद जब फजर की नमाज करके निकले तो उन्होंने सामने देखा कि वहाँ पे 100 भेड़िए बैठे हुए थे। तो उन्होंने सहाबा जो कि उनका कंपेनियन था उसको बोला कि आपको पता है, पहले भेड़ियों ने कुछ बोला उन्हें प्रॉफेट मोहम्मद को, तो उन्होंने फिर सहाबा से पूछा कि आपको समझ में आया कि इन्होंने क्या बोला। ओबियसली प्रॉफेट मोहम्मद को तो समझ आ गया था, बट उन्हें ओबियसली नहीं आएगा, हमें भी अगर कोई जानवर ऐसे कुछ बोलेगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने फिर समझाया कि ये बोल रहे हैं कि जो सहाबा जो उन्होंने अपनी बकरियां पाल रखी थी वहाँ पे, कि हम लोगों का इनकी बकरियां खाने का मन नहीं करता। मीन्स एक जानवर ने बोला कि प्रोफेट मोहम्मद के जो कंपेनियन हैं उनकी बकरियां खाने का हमारा मन नहीं करता। तो इसमें मौलाना तारिक जमील साहब बोलते हैं कि आजकल की दुनिया में तो मतलब एक इंसान इंसान की फिक्र नहीं करता, उनको मारने के लिए हमेशा सोचता है कि बस मैं ऊपर चढ़, मतलब मैं बड़ा बन जाऊँ और सामने वाले को मार दूँ, कत्ल कर दूँ, और छोटी छोटी बातों पे, चाहे वो 10 रुपए के लिए बात हो या किसी और चीज़ के लिए हो, कोई भी मसला हो, एक दूसरे से लड़ने में बंदा पीछे नहीं हटता। तो वो एक जानवर होके भी वो सोचे थे कि जो नबी हैं उन जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनका जो सहाबा है उनकी बकरियाँ एक्सक्यूज़ मी कि उनकी बकरियाँ हमारे खाने का मन नहीं करता। तो फिर प्रोफेट मोहम्मद ने उनको बोला भेड़ियों को कि ठीक है सहाबा अपनी बकरियों की देखभाल करेंगे और आपका जिस पे भी दाव लग जाए आप उसको खा जाना। तो भेड़िए उनका ये इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे कि उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इनको खा जाना, तो वो उनकी इंस्ट्रक्शन सुन के रोते हुए वहाँ से चले गए। मीन्स उन्हें पता था कि मतलब अब मोहम्मद साहब ने बोल दिया है तो फिर यू नो कि अब उन्हें करना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो वो वहाँ से, इसके बाद के जो बाकी आगे कन्वर्सेशन है उसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने मोस्टली वही चीज़ें बताई है जो मेरी कल वाली वीडियो में भी थी कि सब लोग बोलेंगे नफजी नफजी, और उस टाइम पे क्या होगा कि सब लोगों को अपनी होगी बस कि मैं बच जाऊँ, वहाँ पे इतनी धूप होगी और नीचे जो फर्श है सब पूरा तपरा होगा, हमारे बॉडी पे कपड़े नहीं होंगे, और उस टाइम पे हर किसी को बस ये होगा कि हम बच जाएँ बस इस आग से, और इस जो भी वो सिचुएशन होगी उससे हम लोग बच के निकल जाएं और दूसरे की किसी को परवाह नहीं होगी। तो जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद होंगे वही उस टाइम पे बोलेंगे उन उम्मती उम्मती, मीन्स ये सारी मेरी मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, तो अल्लाह प्लीज़ इन पे रहम करो, इनको बचाओ। तो आज की वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है, बाय बाय।